जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 से हमारे साथ बात करने के लिए भावी प्रत्याशी जिले की प्रख्यात नेत्री मंजू देवी जी हैं, जो पूर्व में जिला परिषद अध्यक्षा के रूप में कार्य कर चुकी हैं, विधायक प्रत्याशी भी रही हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ी है, इस बार फिर से मैदान में है। मैडम, फर्स्ट विधायक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बिहार झारखंड को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचकर मुझे दो शब्द कहने के लिए मौका दिया। मैडम, 2016 में लगातार आपने दो बार चुनाव लड़ा था, 2006 से 11, 11 से 16, दो टर्म जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और दोनों टर्म में आपने चेयरमैन तक की बाजी मार ली। 16 में क्या हो गया? 16 में तो चुनाव आपने लॉस कर दिया था। देखिए, दो टर्म में मैं जिला परिषद की चेयरमैन रही और बहुमूल जनता को मुझे जनसंपर्क मिला और उनके आशीर्वाद से ही मैं दो टर्म रही। और 16 की बात जो कह रहे हैं, तो जनता ही मालिक होता है, जनता ही आगे बढ़ाता है और जनते ही नीचे अपना करते हैं। होता है एक कुछ उस समय का माहौल ही दूसरा था, जिसके आपके पक्ष में समीकरण नहीं बन पाया था। चलिए, अभी आप चुनाव मैदान में भी आप जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार आपका भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, जनता का क्या मान सम्मान कैसे मिल रहा है? जनता का बहुत जनसंपर्क है से हाँ, मैडम ही मैडम, मंजू देवी ही तो चाहिए 42 में। अब उनको समझ चुका है प्रियंका जायसवाल को, 5 साल जो रही है, आज तक मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आज तक किसी से उन्होंने चेहरा तक नहीं दिखाया। अब मुझे किसी भी, या शादी विवाह हुआ, मरण हरण हुआ, यहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, एक छोटा सा सत्यनारायण भगवान का भी लोग पूजा कराता है लोग, तो मुझे बुलाता है लोग, तो मैं वहाँ तक उनके पास मैं जाती हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहती हूँ, जनता के सुख दुख को सुनती हूँ और करने का काम भी मैं किया हूँ। पूर्वी चंपारण की सबसे हॉट लड़ाई मानी जा रही है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 की लड़ाई, दो जीप अध्यक्षा ही लड़ाई में, इसमें मंजू देवी कहाँ है? मंजू देवी आगे है। आपसे हम कह रही हैं कि जनता ही मालिक होता है, जनता मुझे बहुमूल अदम सपोर्ट कर रहे हैं से हाँ, मंजू देवी को हम लोग फिर 42 क्षेत्र से यहाँ जिला परिषद में जिताएंगे और फिर इनको चेयरमैन हम बनाएंगे। क्यों, आखिर आपके ऊपर लोग विश्वास क्यों कर रहा है? पूर्व में आपने ऐसा क्या क्या कार्य किया था? देखिए, विश्वास लोगों का संपर्क है, अगर जनता आपको चुनती है, नेता बनाती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है तो उनके बीच जाएं, हम दुख सुख को सुने, उनकी कामों को देखें और विकास काम करें। मैं 10 साल रही हूँ, आप क्षेत्र में पता कर लीजिएगा, मैं विकास की समझिए, यहाँ पर इतने एमपी विधायक रहे हैं, लेकिन मैं एक महिला होकर करके जितना काम, यही मेरा काम ही है से उनके काम को हमें जनता ने मुझे देखा है और स्नेह पूर्वक से मुझे आशीर्वाद दिया है और हमेशा देते रहेगा और आगे भी मैं उनके बीच में हमेशा मैं खड़ा उतरने का मैं काम करती हूँ, करते रहूँगी। इस समय जीप अध्यक्षा की लड़ाई के लिए भी आप फाइट करेंगी? एकदम, उसी के लिए तो लड़ाई है, पार्षदों के लिए थोड़े लड़ती हूँ, अध्यक्ष चेयरमैन की लड़ाई है, दो टर्न बने हैं, तीसरा का टर्न भी मैं चेयरमैन की लड़ाई लड़ रही हूँ। जो जिला परिषद सदस्य जीत के निर्वाचित होकर आ रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत हो रही है? हाँ, एकदम बात हो रही है, सारे लोग कह रहे हैं मैडम आप ही को हम सपोर्ट करेंगे। चलिए, आप वर्तमान जीप अध्यक्षा के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो हमसे जनता के बीच में जाके पूछ लीजिए, उनका सिर्फ दिखावा है, बातें में आकर के लोगों को ठगने का काम करते हैं, सभी लोग जानते हैं उनके विषय में। आप जन अगर जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है, नेता बनाती है, तो नेता का कर्तव्य होता है, समझे। आज तक मैं दावे के साथ कह रही हूँ, 5 साल हो गया है, प्रियंका जायसवाल को कोई चेहरा नहीं देखा है, विकास तो अलग की बात है। चलिए, फर्स्ट बिहार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।